हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंफोटेक्निक्स। सो गाइज, आज के सेशन में हम लोग अप्रूवल फ्लो में अप्रूव और रिजेक्ट के अलावा एक थर्ड कस्टम बटन ऐड करना सीखेंगे। अगर आपको याद होगा तो मैं पिछले सेशन में जब लीव रिक्वेस्ट एप्लीकेशन बना रहा था तो उसमें पार्ट फोर में अप्रूवल फ्लो के बारे में डिस्कस किया था। वहाँ पे मैं अप्रूवल फ्लो क्रिएट करके वो कैसे वर्क करता है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताया था। बट आपको याद होगा तो वहाँ पे सिर्फ दो ही ऑप्शन था, या तो अप्रूव कर सकते हो या आप रिजेक्ट कर सकते हो। एक तीसरा ऑप्शन अगर आपको चाहिए लाइक नीड मोर इन्फो या कॉल बैक टू प्रीवियस अप्रूवल, ऐसा कोई भी एक थर्ड बटन चाहिए जो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो, तो वो कैसे क्रिएट करेंगे ये तो चलिए मैं इस सेशन में ये भी बताता हूँ कि एक थर्ड ऑप्शन आप कैसे क्रिएट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक सैंपल अवेलेबल है। अप्रूव और रिजेक्ट के अलावा मैं एक थर्ड बटन भी इम्प्लीमेंट किया हूँ, कॉल बैक टू प्रीवियस। जब अप्रूवर इस बटन पे क्लिक करेगा, जैसे ही रिस्पॉन्स रीड होगा तो उसके जस्ट बाद प्रीवियस अप्रूवल को फिर से अप्रूवल रिक्वेस्ट चला जाएगा। रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकता है, मैं एक सिनेरियो क्रिएट करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्टीमेटली मेरा ये गोल है कि थर्ड कस्टम बटन कैसे ऐड करेंगे और इसके रिस्पॉन्स को कैसे रीड करेंगे और उसके बाद उसके रिस्पॉन्स को रीड करके नेक्स्ट एक्शन कैसे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ और प्लीज़ आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे अपकमिंग फीचर्स जो पावर प्लेटफॉर्म से रिलेटेड हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और मैं पावर ऐप और पावर ऑटोमेट रियली पूरा कोर्स ही कंप्लीट कर रहा हूँ, एक एक करके मैं हर एक सेशन में डीपली जा रहा हूँ। मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट किया था और अभी तक लगभग हम लोगों ने 30-40 सेशंस कर चुके हैं जो पावर ऐप और पावर ऑटोमेट पे हैं। सो बेसिक लेवल से मीडियम लेवल तक के कोर्स को हम लोग कवर कर चुके हैं और हर एक चीज़ में हम लोग बहुत डीपली अब पूछने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं एक मैनुअल ट्रिगर यहाँ पे लिख चुका हूँ ताकि मैं मैनुअली ट्रिगर करके आप लोगों को दिखा सकूँ। मैं इसका नाम रख चुका हूँ अप्रूवल फ्लो विद कस्टम बटन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अप्रूवल फ्लो का अप्रूवल एक्शन से सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही आप अप्रूवल सर्च करेंगे तो अप्रूवल फ्लो से रिलेटेड अप्रूवल से जितने एक्शंस हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट एंड वेट फॉर एन अप्रूवल, स्टार्ट एंड वेट फॉर एन अप्रूवल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये एक अप्रूवल क्रिएट करेगा और तब तक वेट करेगा जब तक कि इसको रिस्पॉन्ड ना मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रूवल टाइप लेंगे। अप्रूवल टाइप में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन लाइक अप्रूव, रिजेक्ट, एवरीवन मस्ट अप्रूव। इसमें आप जितने लोगों को अप्रूवल भेजेंगे उसमें से सब को रिस्पॉन्स करना जरूरी है। अगर एक बंदा भी रिस्पॉन्स नहीं करता है तो यहाँ पे ये वेट करते रहेगा, तभी आगे बढ़ेगा जब तक कि सारे पीपल इसको अप्रूव नहीं करते हैं। लाइक अगर आप पांच लोगों के पास रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो पांचों को यहाँ पे एक्शन लेना जरूरी है, या पांचों आप या तो एक्सेप्ट करो रिजेक्ट करो, पांचों अप्रूव करें या पांचों रिजेक्ट करें, अल्टरनेटली आप कुछ भी एक्शन ले सकते हैं, बट एक्शन लेना जरूरी है। जब पांचों एक्शन लेंगे तभी ये आगे बढ़ेगा। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आप देख सकते हैं अप्रूव या रिजेक्ट फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड। अगर पहला कोई भी रिस्पॉन्ड करता है, मतलब अगर पांच लोगों के पास आपने अप्रूवल रिक्वेस्ट भेजा और पांचों में से पहले अगर किसी ने भी एक्शन ले लिया, अप्रूव कर दिया, रिजेक्ट कर लिया, तो वहीं उसका फाइनल डिसीजन होगा और उसके अकॉर्डिंग यहां से फ्लो आगे बढ़ जाएगा। तो ये डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये कस्टम रिस्पॉन्स में है जो वेट फॉर ऑल रिस्पॉन्सेज, वेट फॉर वन रिस्पॉन्सेज। यहाँ पे आप कस्टम रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं और डिफरेंस वही है वेट फॉर ऑल रिस्पॉन्सेज और वेट फॉर वन रिस्पॉन्सेज। वेट फॉर ऑल रिस्पॉन्सेज में वो सबका वेट करेगा, सबके एक्शन का वेट करेगा, जब तक कि सब एक्शन नहीं ले लेते हैं तब तक ये आगे नहीं बढ़ता है। वेट फॉर वन रिस्पॉन्स में क्या होता है, अगर कोई एक भी एक्शन लेता है तो ये आगे बढ़ जाता है। तो आप लोगों को ये चारों ऑप्शन समझ में आ गए। तो मैं पहले क्या करता हूँ, अप्रूव रिजेक्ट फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड में ये सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं आपको सीनेरियो समझाता हूँ। मैं ये अप्रूव और रिजेक्ट का एक अप्रूवल रिक्वेस्ट किसी बंदे के पास भेजूंगा, अगर वो अप्रूव कर देता है तो मैं एक नेक्स्ट लेवल ऑफ हायरार्की को फॉलो कर एक नेक्स्ट बंदे को मैं अप्रूवल भेजूंगा। अगर वो बंदा अप्रूवल रिक्वेस्ट गेट करता है तो उसके पास तीन ऑप्शन होंगे। पहले वाले के पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो अप्रूव कर दो या रिजेक्ट कर दो। अगर इसने अप्रूव कर दिया, यहाँ पे इसने कोई एक्शन लिया, कमेंट सेक्शन में फिलअप किया, तो वो एक नेक्स्ट लेवल के अप्रूवर के पास फिर से एक रिक्वेस्ट भेजेगा नेक्स्ट एक्शन। और उस एक्शन में उस बंदे के पास तीन ऑप्शन होंगे और उस तीनों ऑप्शन में या तो वो अप्रूव कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है, या तो उसके
पास वो कॉल बैक टू प्रीवियस अप्रूवल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस बंदे को ऐसा लगता है कि जो पहले वाला बंदा अप्रूव कर दिया है वो गलती से अप्रूव कर दिया या उसने कोई ऐसा मिस्टेक किया है जो नहीं करना चाहिए था, उसको फिर से अप्रूवल जाना चाहिए, उसके बाद मेरे पास आना चाहिए, तो यहाँ पे कॉल बैक टू प्रीवियस अप्रूवल पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि अप्रूवल रिक्वेस्ट अगेन पिछले वाले बंदे के पास चला जाएगा और वो बंदा फिर से अप्रूवल एक्शन ले सकता है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक सिनेरियो है जो मैं खुद से एक जेनरेट किया हूँ। आपके पास रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकता है बट कंसेप्ट तो वही होगा। तो चलिए यहाँ पे तो आपको पता हो गया अप्रूव रिजेक्ट का। अब असाइंड टू में मैं एक टेस्ट यूजर को टेस्ट यूजर के पास इसको भेजता हूँ अप्रूवल रिजेक्ट करने के लिए। ठीक है, टेस्ट यूजर के पास ये जाएगा और उसके बाद डिटेल्स और आइटम लिंक्स आपको जो सेंड करना हो आप यहाँ से सेंड कर सकते हैं। ठीक है, टाइटल आप यहाँ पे डाल दें, मैं एक अप्रूवल रिक्वेस्ट ऐसे ही डाल देता हूँ। टाइटल आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हैं। डिटेल्स आइटम लिंक डिस्क्रिप्शन आपका जो रिक्वायरमेंट होगा आप यहाँ पे भरते रहना। मैं इसके आगे बढ़ता हूँ, न्यू स्टेप में जाते हैं। न्यू स्टेप में इसको हम लोग रीड करेंगे। सो सबसे पहले कंडीशन में जाते हैं, कंडीशन में इसके रिस्पॉन्स को हम लोग रीड करेंगे ताकि हम लोगों को ये पता चले कि हमारा रिस्पॉन्स क्या है। तो आउटकम पे जाते हैं, आउटकम में जाएंगे, आउटकम इज इक्वल टू अप्रूव। अगर ये अप्रूव है देन हम लोग एक नेक्स्ट एक्शन लेते हैं और एक नेक्स्ट अप्रूवल सेंड करते हैं। तो अप्रूवल के लिए फिर से हम लोग अप्रूवल रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पर सर्च करेंगे अप्रूवल और यहाँ पे स्टार्ट एंड वेट फॉर एन अप्रूवल पे जाएंगे। अभी क्या करना है, हम लोगों को अप्रूवल के पास तीन ऑप्शन भेजना है जिसमें अप्रूवल अप्रूव भी कर सके, रिजेक्ट भी कर सके और कॉल बैक टू प्रीवियस अप्रूवल को भी ऑप्शन रहेगा, तो उसके थ्रू अगेन वो प्रीवियस अप्रूवल को अप्रूवल भेज सके। तो यहाँ पे अप्रूवल टाइप में आएंगे, अप्रूवल टाइप में यहाँ पे आप कस्टम रिस्पॉन्स देख रहे हैं, कस्टम रिस्पॉन्स को सेलेक्ट करेंगे। वेट फॉर ऑल रिस्पॉन्स है कस्टम रिस्पॉन्स में, वेट फॉर वन रिस्पॉन्स है। अगर सारे बंदों के रिस्पॉन्स की जरूरत है तो आप वेट फॉर ऑल रिस्पॉन्सेज यूज करेंगे। अगर किसी एक के रिस्पॉन्स है अगर आपको आगे बढ़ना है तो सिर्फ आप इसके कस्टम रिस्पॉन्स वेट फॉर वन रिस्पॉन्स का यूज करेंगे। तो अभी मुझे सिर्फ एक बंदे के रिस्पॉन्स से आगे बढ़ना है तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे बटन का ऑप्शन आ गया, लाइक जो भी आइटम यहाँ पे आप क्रिएट करेंगे वो ऑप्शन अप्रूवर के पास जाएगा। यहाँ पे मैं एक अप्रूव का ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्पांस ऑप्शन आइटम में मैं एक अप्रूव ले लेता हूँ, एक न्यू आइटम लेता हूँ, न्यू आइटम में मैं क्या करता हूँ रिजेक्ट कर देता हूँ। दो ऑप्शन हो गया। अब तीसरा ऑप्शन यहाँ पे है, लाइक आपका कोई भी रिक्वायरमेंट होता है, नीड मोर इन्फो या कॉल बैक और या कॉल बैक टू प्रीवियस रिस्पॉन्डर, या आपके अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा तो उसको आप यहाँ पे क्रिएट कर लेना। तो रिस्पॉन्ड ऑप्शन आइटम में मैं क्या करता हूँ कॉल बैक टू प्रीवियस कॉल बैक टू प्रीवियस अप्रूवर। इसके यूज से प्रीवियस अप्रूवर को हम लोग यहाँ पे फिर से अप्रूवल भेजेंगे। समझ गए होंगे कि आपको कैसे एक कस्टम बटन क्रिएट करना है, अप्रूव रिजेक्ट और कॉल बैक टू प्रीवियस अप्रूवल। मैंने यहाँ तीन बटन हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अप्रूव और रिजेक्ट आपको बाय डिफॉल्ट ऊपर वाले एक्शन से भी मिल जाएंगे। मैं ऊपर वाला एक्शन इसीलिए कवर किया कि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। मैं ये वाला कवर कर चुका हूँ बट फिर भी इस फ्लो में मैं एक ऐसा सीनेरियो इसीलिए ऐसा जनरेट किया हूँ ताकि मैं दोनों को कवर कर पाऊँ, ताकि आपको एक बेसिक डिफरेंस समझ में आए। तो यहाँ पे देखिए आपको बटन आइटम क्रिएट करने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक अप्रूवल और रिजेक्ट का बटन चला जाता है। बट यहाँ पे कस्टम में आपको अप्रूव रिजेक्ट कॉल बैक टू प्रीवियस अप्रूवल ये सब आप खुद से क्रिएट कर रहे हैं, समझ में आया। अब यहाँ पे टाइटल डाल देंगे, टाइटल मैं वही डाल देता हूँ अप्रूवल रिक्वेस्ट, आप अपने अकॉर्डिंग अपना फिलअप करते रहना। असाइंड टू में मैं अभी क्या करता हूँ, मैं खुद को असाइन कर लेता हूँ अनिकेत सिंह। हाँ ठीक है, आइटम लिंक डिटेल्स डिस्क्रिप्शन आप अपने अकॉर्डिंग फिर से फिलअप करते रहना, उसमें समय मैं ज़्यादा नहीं लूँगा। अभी क्या है, अब पहले इस बंदे के पास अप्रूवल जाएगा, अगर ये अप्रूव कर देगा तो मेरे पास आएगा, मतलब मैं सेकंड लेवल ऑफ हायरार्की में यहाँ पे बैठा हूँ, ताकि अगर कोई अप्रूव कर देता है तो फिर मेरे पास अप्रूवल है, मैं उसको ऑब्जर्व करूँगा, रीड करूँगा कि क्या हुआ है, कैसे उसने क्या अप्रूव किया है, फिर मैं अगर चाहूँगा कि नहीं तुम गलती से अप्रूव कर दिए हो फाइनल इंश्योर कर लो, तो मैं फिर कॉल बैक टू प्रीवियस अप्रूवल पे क्लिक करके फिर से इसका अप्रूवल भेज दूंगा। करेक्ट, तो ये तो आपको समझ में आ गया। तो फिर मैं ऐड एन एक्शन में जाता हूँ, ऐड एन एक्शन में मैं यहाँ पे कंडीशन में आऊँगा, कंडीशन में आकर यहाँ पे मैं फिर से रिस्पॉन्ड को रीड कर लेता हूँ। तो रिस्पॉन्स को रीड करने में आपको यहाँ पे कभी भी देखिएगा सावधानी रखना होगा। सावधानी किस बात का, ये नाम का,
अब जो एक्शन रखे हैं स्टार्ट एंड वेट फॉर एन अप्रूवल टू, ये है स्टार्ट एंड वेट फॉर एन अप्रूवल। आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए रीनेम का ऑप्शन है, आप उसको रीनेम करते रहिएगा। बट यहाँ पे जब भी आप कभी भी रिस्पॉन्स को कभी किसी भी एक्शन के रिस्पॉन्स को डायनेमिकली रीड करते हैं तो उसके पहले आपको ये चीज इंश्योर हो जाना चाहिए कि मैं किस एक्शन के रिस्पॉन्स को डायनेमिकली रीड कर रहा हूँ। लाइक स्टार्ट एंड वेट फॉर एन अप्रूवल टू है तो वैसे ही स्टार्ट एंड वेट फॉर एन अप्रूवल टू लिखा है और उसके नीचे इसके सारे रिस्पॉन्स हैं, जो भी आप रीड करोगे इस एक्शन के रिस्पॉन्स के रीड इस एक्शन के रिस्पॉन्स को रीड करेगा, ठीक है, या इस सेक्शन के रिस्पॉन्स में जो भी प्रॉपर्टीज हैं उसको रीड करेगा। अगर आप नीचे जाएंगे ध्यान से देखेंगे तो ये सारा सेम ऑप्शन है, बट यहाँ पे वही ऑप्शन है लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो नेम डिफरेंस है, स्टार्ट एंड वेट फॉर एन अप्रूवल ये एक डिफरेंट एक्शन है जो कि ऊपर यहाँ पे क्रिएटेड है। अगर गलती से आप यहाँ पे आकर इसके किसी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये इसके रिस्पॉन्स को यहाँ पे कंपेयर करने लगा है ना कि इसके, तो ये चीज आपको इंश्योर होना चाहिए कि मैं किस एक्शन के रिस्पॉन्स को रीड कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट में ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, हम लोग जब एक्चुअल प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो उस समय पे ये गलतियाँ हो जाती हैं हमेशा, ये चीज आप लोग भी ध्यान में रखना कि आपसे ये गलती ना हो। हालांकि वो टेस्टिंग में पकड़ा जाता है बट अगेन वो फिर तो टाइम कंज्यूमिंग हो गया ना कि टेस्टिंग में जाके वो चीज़ पकड़ा गया। चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। इसमें से आपको फिर से क्या करना है, यहाँ से रिस्पॉन्स को रीड करना है, तो मैं सेकेंड अप्रूवल का आउटकम रीड करता हूँ और इसके इक्वल में अगर मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पे अगर कॉल बैक टू प्रीवियस अप्रूवर आता है रिस्पॉन्ड तो मैं फिर से फर्स्ट अप्रूवर को उसको ईमेल अप्रूवल मेल भेज दूँ। तो यहाँ पे फिर से मैं एक अप्रूवल मेल लेता हूँ और यहाँ पे इसको सेंड कर देता हूँ, स्टार्ट एंड वेट फॉर एन अप्रूवल। तो स्टार्ट एंड वेट फॉर अप्रूवल में मैं फिर से वहीं इन बिल्ट फीचर यूज करूँगा, फर्स्ट रिस्पॉन्ड लेता हूँ, अप्रूव और रिजेक्ट में जाऊँगा, अप्रूव और रिजेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे टाइटल और वो चीज सेम फिलअप कर दूंगा। मैंने यहाँ पे मैनुअली क्रिएट किया। और एक चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ से मैं इसको पहले डिलीट करता हूँ। अगर आपको कोई प्रीवियस सेक्शन ऑलरेडी आप बना कर रखें उसको ही कॉपी करके पेस्ट करना है तो आप यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, कॉपी टू माई क्लिप बोर्ड पे जाएंगे और यहाँ पे एड एन एक्शन में आएंगे जहाँ भी आपको ऐड करना होगा, लाइक आउटकम इज इक्वल टू कॉल बैक टू प्रीवियस अप्रूवल तो यस वाले सेक्शन में आकर फिर से भेजना है। तो यहाँ पे माई क्लिप बोर्ड में आएंगे, एड एन एक्शन पे क्लिक करने के बाद माई क्लिप बोर्ड में आएंगे, माई क्लिप बोर्ड पे यहाँ पे आप जो भी कॉपी किए रहेंगे वो यहाँ पे दिखेगा। फिर यहाँ पे आप जब इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे उसके अंदर वो आ गया होगा, ठीक है। कंडीशन टू में देखिए वो एक्शन सेम एज इट इज यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट हो चुका है। करेक्ट, अभी क्या है मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाता हूँ। देखिए ये अप्रूवल फ्लो का अभी तक तो मैं सिर्फ अप्रूवल का ही एक सीनेरियो लिया हूँ। अब इसके बाद आपको जो भी एक्शन करना है, जो भी एक्शन परफॉर्म करना है उसके लिए आप उसे रिलेटेड एक्शन लेते जाना, जो भी जिस सीक्वेंस में आपको एक्शन का जरूरत हो। एडिशनली आपको मैं इतना बता रहा हूँ सिनेरियो क्रिएट करके अप्रूवल फ्लो ये कैसे काम कर रहा है, थर्ड बटन कैसे क्रिएट कर रहे हैं, दो बटन इनबिल्ट पहले कैसा आता था वो डिफरेंस भी मैंने दिखा दिया, दोनों आपको मैं यूज करके भी यहाँ पे दिखाया, ठीक है। तो इसको मैं सेव कर लिया, अभी मैं टेस्ट पे जाता हूँ, टेस्ट में मैनुअल टेस्ट करता हूँ, इसको मैं आपको फिर से टेस्ट करके दिखाता हूँ। अब ये फ्लो ट्रिगर हो गया, अब ये क्या करेगा, पहले तो ये अप्रूवल फ्लो सेंड करेगा टेस्ट यूजर को, तो टेस्ट यूजर के पास चलते हैं, टेस्ट यूजर के पास अप्रूवल फ्लो अप्रूवल सेंड हुआ होगा। ये टेस्ट यूजर है ना, हाँ ये टेस्ट यूजर है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नया अप्रूवल आ चुका है जिसमें दो ऑप्शन है अप्रूव और रिजेक्ट करने का, ठीक है। यहाँ से आप अप्रूव और रिजेक्ट करेंगे, लाइक टेस्ट यूजर यहाँ से अभी अप्रूव और रिजेक्ट कर रहा है तो इसे ही अप्रूव पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप कमेंट भी डाल सकते हैं, वाट एवर आप जो भी कमेंट डालेंगे यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, इसको सबमिट करेंगे, यहाँ से ये अप्रूव हो जाएगा। अब जैसे ही अप्रूव होगा तो यहाँ फ्लो देखिए, फ्लो यहाँ से अब आगे बढ़ा, वेट कर रहा था, वेट करने के बाद इसको रिस्पॉन्स मिला तो अभी आगे बढ़ गया, आगे बढ़ेगा, इसको अप्रूव मिल चुका है तो उसके बाद फिर से एक नेक्स्ट अप्रूवल सेंड कर दिया। अब ये मेरे आईडी के पास एक अप्रूवल आया होगा तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं एक नेक्स्ट अप्रूवल आया कि नहीं आया। देखिए आप अप्रूवल दो जगह से देख सकते हैं, पहले तो आप टीम्स में भी जाकर देख सकते हैं, टीम्स में लेफ्ट हैंड साइड में अप्रूवल का एक सेक्शन होता है। अगर अप्रूवल का सेक्शन नहीं होगा तो यहाँ पे आप ऐप में आके सर्च करके ऐड कर लीजिएगा और यहाँ मेल में भी आएगा। यहाँ मेल में भी देखिए अभी तुरंत मेरे को एक नया अप्रूवल रिक्वेस्ट आ गया और यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन है, एक अप्रूव है, एक रिजेक्ट है और एक कॉल बैक टू प्रीवियस अप्रूवल। अगर मैं अप्रूव करूँगा तो अप्रूव हो जाएगा, रिजेक्ट करूँगा तो रिजेक्ट होगा
उसके रिस्पॉन्स को रीड करके जो भी है वो करना होता है। ये देखिए फ्रंट एंड पे चाहे जो भी दिखे इंटरनली आपको एक रिस्पॉन्स नाम के ऑप्शन होगा जो जिसमें जो यहाँ से आप एक्शन परफॉर्म करके भेजेंगे वो उस वेरिएबल में स्टोर होगा। अप्रूव करेंगे तो वहाँ पे अप्रूव होकर स्टोर हो जाएगा, रिजेक्ट करेंगे तो रिजेक्ट होकर स्टोर हो जाएगा, कॉल बैक टू प्रीवियस अप्रूवल या नीड मोर इन्फो ऐसा कुछ टेक्स्ट डाले होंगे वो टेक्स्ट वहाँ जाके स्टोर हो जाएगा उस रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल में जो कि अप्रूवल को ऑटोमेटिक वो जनरेट कर लेता है। तो बेसिकली फ्रंट एंड पे ही यूजर को ये दिखाने के लिए है, बैक एंड पे तो आपको एक ही वेरिएबल यूज करना है और उसी वेरिएबल के वैल्यू को रीड करके आगे बढ़ना है आप और उसके अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट एक्शन फ्लो में परफॉर्म करना है। तो मैं कॉल बैक टू प्रीवियस अप्रूवल को यूज करता हूँ, तो कॉल बैक टू प्रीवियस अप्रूवल को आप यहाँ पे सेलेक्ट करके सबमिट करेंगे तो फ्लो में कॉल बैक टू प्रीवियस अप्रूवल आ जाएगा। अब यहाँ पे वेट कर रहा है, जैसे मैं उधर से रिस्पॉन्ड सबमिट किया तो यहाँ से रिस्पॉन्ड को ये रीड करके आगे बढ़ गया। अब चूंकि मैंने कॉल बैक टू प्रीवियस अप्रूवल सेलेक्ट किया था तो अगेन ये प्रीवियस अप्रूवल के पास रिक्वेस्ट सेंड कर देगा। अगर टेस्ट यूजर के पास आप जाकर देखेंगे तो फिर से ये अप्रूवल रिक्वेस्ट सेंड किया रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेस्ट यूजर के पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेस्ट यूजर के पास फिर से एक अप्रूवल रिक्वेस्ट आ गया है, एक नया अप्रूवल रिक्वेस्ट तुरंत आया। तो यहाँ से फिर से आप अप्रूव या रिजेक्ट फिर से जो भी आपको एक्शन परफॉर्म करना होगा वो आप यहाँ से एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। सो बेसिकली अब आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया हो कि एक थर्ड कस्टम बटन अगर आपको इंप्लीमेंट करना होगा तो वो कैसे करते हैं। और अप्रूवल फ्लो का तो अब बेसिकली आप लोगों को बहुत ज़्यादा आइडिया हो गया होगा कि अप्रूवल फ्लो कैसे यूज करते हैं। अप्रूवल फ्लो के चारों एक्शंस जो अप्रूवल फ्लो में जो ऑप्शंस हैं वो चारों ऑप्शंस मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को रिमाइंडर सेट करना भी सिखाऊंगा। लाइक यहाँ पे स्टार्ट एंड वेट फॉर एन अप्रूवल जो काम कर रहा है ये तो वेट कर रहा है, जब तक अप्रूवल कोई रिस्पॉन्स ना ले तब तक ये वेट करता रहेगा। अगर क्या करोगे आप, 2-3 दिन तक अगर कोई अप्रूवल रिस्पॉन्स ही ना ले, उसको याद ही ना रहे, भूल गया, तो क्या करोगे? एक आपको रिमाइंडर सेट करना होगा। तो रिमाइंडर कैसे सेंड करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट कुछ अपकमिंग सेशंस का वेट कीजिए, मैं उसको भी कवर करूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। अभी तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।